एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के शिष्य ने उनसे सवाल किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य समझ जाओगे कि कर्म क्या है। आप सभी लोग भी इस कहानी को ध्यान से सुनना। कहानी बड़ी ही छोटी है लेकिन गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। बाजार में तभी राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में अचानक से पता नहीं क्यों ये ख्याल आया कि इस दुकानदार को मैं कल फांसी दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री इससे पहले कोई सुझाव दे, राजा यह मन में फैसला लेकर उस दुकान से आगे बढ़ गए और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया कि न जाने क्यों राजा उस दुकानदार को सजा क्यों देना चाहते हैं। वह इस समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार की बिना किसी गलती के उससे बिना कुछ बात किए राजा ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भ्रमण करने के बाद राजा और मंत्री अपने राज दरबार में वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हो गई, मंत्री साधारण वेशभूषा धारण कर एक आम नागरिक की तरह उस दुकानदार के पास गया और पूछा कि तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया कि मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने उस दुकानदार के बारे में आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि यह दुकानदार किसी से कुछ बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई और वह वापस दुकान वाले के पास गया और उससे पूछा कि तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार कहता है कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ उठाते हैं और सूंघते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया लकड़ी है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर बहुत विपोड़ हो गया। मंत्री ने भी सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का सामान खरीदा ना जाए, जबकि उसके सामान में कोई कमी ना हो। इसलिए मंत्री सोचने लगा कि इसीलिए ये दुकानदार इतना ज्यादा दुखी रहता है। मंत्री को ये तो समझ में आ गया था कि वह दुकानदार दुखी क्यों रहता है, मगर वह अब भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों राजा उसे फांसी की सजा देना चाहते थे। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी भी मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने दुकानदार से बोला कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी एक भी लकड़ी कोई भी ना खरीदे तो। दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी की ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाए तो मैं उसके देह संस्कार के लिए खूब सारी चंदन की लकड़ियाँ राजमहल में पहुँचाऊंगा, जिससे मुझे काफी मुनाफा होगा और इसी बहाने कई गांव में लोगों को मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में भी पता चलता, तो शायद इसी के कारण ही मेरी दुकान चल पड़ती। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी और उसे कुछ पैसे दिए। कुछ पैसे मिलने के बाद वह दुकानदार खुश हुआ। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला आया। राजदरबार में पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप फांसी देने का सोच रहे थे। राजा ने उस लकड़ी को उठाया और सूंघा। सूंघने के बाद राजा अति प्रसन्न हुआ और बोला, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखी भेंट से राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोले कि जाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं उस दुकानदार को इनाम में देना और कहना कि आज के बाद जब भी महल में चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी ही दुकान से चंदन की लकड़ियां ली जाएंगी। यह बात सुनकर मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब तो राजा को उस दुकानदार को फांसी देने जैसा ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन के लकड़ियों की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को राजन को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी करी, बेवजह ही मैं उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया और उसे राजन के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं भेंट करी और कहा
कि जिन चंदन की लकड़ियों को मैं कल खरीद कर ले गया था उन्हें राजन ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की हैं और यह भी बताया कि आज के बाद जब भी राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो लकड़ी तुम्ही से ही ली जाएगी। दुकानदार यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और राजन को धन्यवाद करने लगा। तो मंत्री बोला, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला सोचते थे और देखो राजा कितने अच्छे निकले, वह अपनी प्रजा के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना ज्यादा गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत ज्यादा खुश हुआ और वापस राज दरबार में चला गया। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ अब कर्म क्या होता है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। कोई बोला कर्म वाणी है, तो कोई बोला कि कर्म भावना है, वगैरह वगैरह आदि। सभी का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हम सभी के विचार होते हैं, हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों द्वारा किए जाने वाले कर्म हमारे सुख और हमारे दुख के उत्तरदायी होंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म भी बुरे ही होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा और परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। और दूसरी ओर अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तो वह हमारे द्वारा किया गया सही कर्म होगा, जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम भी मिलेगा जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा जिसे दुष्कर्म भी कहा जाता है। और इसी दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा और जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। वह सभी शिष्य तो यह बात समझ गए थे, क्या आप समझे?